इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में पुलिस ने फरियादी की फर्जी लूट का खुलासा कर दिया है और पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लीलाधर ने पैसे के लेन देन को लेकर झूठी लूट की साजिश रची थी और अपने साथ 20,000 की लूट की शिकायत करवाई, लेकिन फरियादी से पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसने बताया कि उसको किसी से पैसों का लेन देन था और उसी पैसे को झूठी लूट की शिकायत उसने की थी। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी एरोड्रम श्री राहुल शर्मा को फरियादी लीलाधर ने आके रिपोर्ट किया। दो अज्ञात बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल को रोका, उसको कट्टा एवं चाकू दिखाकर उसके 20,000 रुपये लूट कर भाग गए। एक मोटरसाइकिल का नंबर विथ सीरीज एग्जैक्ट बताया, उस पर शंका हुई। पुलिस ने सुबह फरियादी से लगातार पूछताछ और मेहनत के बाद उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा असत्य रिपोर्ट व्यक्तिगत रंजिश के कारण लिखाई गई थी